आज हम बनाएंगे चकली, जिसके लिए हमने लिया है गेहूं का आटा, जिसको एक रुमाल में बांध के रख देंगे। हम अपना जो रोटी का आटा है वही लेने का है, उसको अच्छे से बांध के हम रख देंगे एक कपड़े में। अभी इसको, ये पोटली को हम पानी नीचे रखा है उसमें बॉईल करने को रख देंगे। अभी इसको 15 मिनट तक बॉईल करेंगे। अभी हमारा बॉईल किया हुआ आटे को हमने थोड़ा सा कूट के उसको छान लिया है। अभी ये अच्छी तरह पक चुका है। अभी हम इसमें, अभी इसके लिए सामग्री लगेगा हमको तिल, बटर है, नमक, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, टेस्ट के अनुसार नमक और तिल। बाद में बटर है वो हम पानी में डाल देंगे, इसको उबाल दे, गरम पानी लिया है हमने थोड़ा, उसमें हम मिक्स कर देंगे उसको अच्छे से। अब ये बटर इसमें पिघल जाएगा। तब तक हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। अभी हमारा बटर वाला जो पानी है वो थोड़ा गर्म है, ध्यान रखना आटा भूनते टाइम, उसको हम इसी में डाल देंगे और कड़क से आटा भूनेंगे। ज्यादा गर्म मत रखना, नहीं तो हाथ भी जल जाएगा। और थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें। आप देख सकते हैं चकली का आटा रेडी हो गया है। अभी हम मशीन में डाल देंगे इसको अच्छे से। तेल गरम हो रहा है तब तक हम चकली निकाल देंगे। अभी हम चकली को फ्राई करेंगे।
ये हमारा चकली अच्छे से पक गया है, इसको हम निकाल देंगे। आप देख सकते हैं चकली अच्छे से बन रहा है, बहुत सॉफ्ट भी हो रहा है। अभी रेडी है हमारा चकली।